हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, छुट्टियों में बहुत याद आएगी, तुम्हें बहुत मिस करेंगे, अगर तुम्हें फ़ोन मिले तो फ़ोन कर लिया करना, छुट्टियों से पहले एक बार मिलने ज़रूर आना, तुम प्यार करती हो तो ज़रूर आओगी, अगर हम तुम्हें 8 बजे बुलाएं तो तुम जल्दी स्कूल आ सकती हो, अगर आ सको तो हमें बता देना, और हम तुमसे बहुत सी बातें करना चाहते हैं, जीवन भर के लिए तुम्हारा होना चाहते हैं, हम तुम्हें हमेशा प्यार करते रहेंगे, लेटर पढ़कर फाड़ देना और किसी को दिखाना नहीं। देख लिया ये लव लेटर जिसे एक टीचर ने 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को दिया है। आशिक मिजाज का ये टीचर प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन बच्चों पर इस टीचर की कितनी गंदी नजर रहती है वो इस लेटर से साफ हो भी गई है। गंदी नजर तो छोड़िए, इस आशिक मिजाज टीचर ने अपने पद और अपनी उम्र का भी लिहाज बिल्कुल भी नहीं किया और अपनी बेटी के समान लड़की को ही लव लेटर लिख डाला। इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि लव लेटर में इस टीचर ने ये भी लिखा, लेटर पढ़ने के बाद इसे फाड़ जरूर देना, लेकिन 13 साल की मासूम को इन सब बातों का क्या पता। उसने सीधा जाकर ये लव लेटर अपने पिता के हाथ में थमा दिया, जिसे देख लड़की के पिता का दिमाग हिल गया। उसे तो यकीन नहीं हुआ कि कोई टीचर ऐसा भी कर सकता है। खैर, लड़की के पिता ने इस मामले को लेकर आरोपी टीचर से संपर्क साधा तो टीचर गलती मानने की बजाय लड़की के पिता को ही धमकी देने लगा, बल्कि माफी मांगने की बजाय लड़की के परिजनों को उसने मौके से भगा भी दिया। इसके बाद तो उसने हद ही कर दी, लड़की के पिता के साथ वो गाली गलौज भी करने लगा, जिसके बाद पीड़ित परिवार परेशान हो गया और वो सीधे थाने पहुंच गया और इसकी शिकायत पुलिस से की और फिर कार्रवाई की मांग भी कर डाली। प्राइमरी का है, जूनियर में जाता है। कौन से विद्यालय का नाम है, कौन सा गांव? ग्राम बलारपुर है, पोस्ट मलिकापुर है, कन्नौज में लगता है। आपकी बेटी पढ़ती है क्या? पढ़ती है कक्षा 8 में। 8 में पढ़ती है, क्या उम्र होगी उसकी? 13 साल। और टीचर ने कुछ उसको लिख के दिया था? हाँ, लेटर पढ़ लिखी दिया था। क्या नाम है टीचर का? टीचर का हरिओम नाम है। इससे पहले आपने कहीं टीचर के खिलाफ शिकायत विकायत की थी? कोई शिकायत नहीं की। टीचर से आपने इस बारे में कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा। तो टीचर ने आपसे क्या कहा? हमसे गाली गलौज किया था। गाली गलौज की? हाँ, जब हमने लेटर किसने दिया? उसने हमको लेटर दिया कि मैंने दिए नहीं, कि काना किसपाल का बोला मैंने दिया है, कि दिया है तो क्या करोगे। वही शिक्षा विभाग ने भी मामले पर संज्ञान लेकर जाँच शुरू कर दी है, लेकिन बड़े शर्म की बात है, गुरु ऐसा होगा तो वो अपने शिष्य को क्या शिक्षा देगा। खैर, अब शिक्षा विभाग को इस मामले पर सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि ऐसे शिक्षकों को सख्त संदेश जाए और वो ऐसे घिनौने काम को करने से पहले 100 बार सोच भी ले कि अगर ऐसा किया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।